आरजी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सिंगरौली सरई से देखिए बड़ी खबर। सिंगरौली से ब्यूरो चीफ विवेक पांडे की खास खबर। सरई पुलिस ने सड़क किनारे लगी बीम की चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार एवं दो पिकअप व एक ट्रक सहित 60 लाख का मसरूका भी किया जब्त। आगे की खास खबर। सरई पुलिस ने सड़क किनारे चोरी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक सिंगरौली ने हाल ही में अपराध समीक्षा बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए थे कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त रवैया अपनाया जाए। इसी क्रम में सरई थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रोड के किनारे सरई से झुरियो रोड पर नवनिर्मित सड़क के किनारे सुरक्षा हेतु लगाए गए मेटल प्लेट नट बोल्ट एवं उसके कलपुर्जे लाखों की कीमती के चोरी किए जा रहे थे। चोरी का अंजाम देने वाला भाजपा नेता का साला ही निकला कबाड़ चोर। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा नेता, पुलिस ने कर दी कार्रवाई। प्रदेश में चल रहे अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई को देखकर पुलिस भी एक्शन में है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को सख्त आदेश दिया है कि अवैध कारोबारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। लेकिन ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहीं भाजपा की सरकार में भाजपा के नेता ही अपने रिश्तेदारों से अवैध कारोबार करवा रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री के निर्देश पर पुलिस भी सख्त है। सतर्कता को अगर देखा जाए तो भाजपा के नेता की हालत खराब हुई बैठी है। इसी तरह का मामला सिंगरौली जिले के सरई थाना का है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी मंडल अध्यक्ष कोमल गुप्ता जो पूर्व में ही विवादित रहे हैं और अपने साला से अवैध कारोबार करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी अवैध कारोबारी को सरई पुलिस ने धर दबोचा। सूत्रों ने बताया कि पुलिस के सामने अवैध कबाड़ कारोबारियों को नेता गिड़गिड़ाता रहा। कटरा के जंगल में, रजनिया के जंगल में, इनमें जो है अज्ञात चोरों द्वारा काट लिया गया और जो इनसे जो इनके जो सीजी कंपनी और जो इनके जो एमपीआरडीसी के जो लोग हैं उनसे उनके द्वारा रिपोर्टें प्राप्त होने पर थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसी के तलाश में जो है जब हमने पकड़ा तो पकड़ने में चार आरोपी जिसमें शैलेंद्र गुप्ता निवासी सरई का, शिव प्रसाद और एक शैलेंद्र दीक्षित, ये बाहर से जो है गाड़ी लेके अपनी आए थे और उसमें से दो पिकअप और एक ट्रक में 408 ट्रक होता है उसमें जो है लगभग 30 लाख का मसरूका जो है जो स्टील की बीम है वो और चादर और लंबे पाइप वो नट बोल्ट और बहुत सा कीमती कलपुर्जे वो बरामद किए गए हैं और इनके साथ इनके ट्रक और पिकअप बरामद किए गए। इस तरह से कुल 60 लाख रुपए का मसरूका बरामद किया गया और पूरी चोरी बरामद की गई और इनसे पूछताछ में आए लगातार इस तरह से क्षेत्र में जो है जो इस तरह से कीमती सामान है जो शासकीय और वो चोरी करते हैं और उनको ले जाके यूपी में कानपुर और इधर जाके वो बेच देते हैं। सर क्षेत्रीय लेवल में अब क्या रहेगा, जैसे कि एक मामला आ गया है तो क्षेत्रीय लेवल में बिल्कुल लगातार जो भी अपराधी हैं जो भी इस तरह से अवैध कार्य करने वाले हैं उनके लिए चेतावनी है और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी और किसी को भी कोई गलत कार्य करने नहीं दिया जाएगा। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।